हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके एनवायरमेंटल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। सो गाइस, आई एम श्योर इससे पहले मैंने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट की जितनी भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप सब ने अच्छे से देख ली होंगे एंड उन सभी वीडियोज़ को आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। बिकॉज गाइज, उन वीडियोज़ के अंदर मैंने आप सबको एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए एंड गाइज, जो क्वेश्चन मैंने आपको उन वीडियोज़ में कराए हैं उनकी इस ईयर आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। सो गाइज, आगे भी आपके एग्ज़ाम तक मैं आप सबको इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराती रहूँगी। प्लस आपको जैसे कि पता है कि टॉपर स्टडी चैनल पर आपको आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। सो गाइज़, आप सबको अपने एग्ज़ाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, अब आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है आपके एग्ज़ाम में। सो गाइज, मैं प्लान कर रही हूँ आप सबके लिए एक वीडियो लाने की, जिसके अंदर बेसिकली मैं आप सबको कुछ टिप्स बताऊंगी, जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपने इन लास्ट दिनों में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली गाइस, जितने भी स्टूडेंट टॉपर स्टडी के थ्रू स्टडी कर रहे हैं एंड अपने लेवल पर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने वाले हैं। सो गाइज, आप सबको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज, फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैं आप सबको इन्वायरमेंटल साइंस का वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सो गाइज, ये है वो क्वेश्चन जिसका आंसर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली आप सबका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि जैव विविधता के बाह्य स्थल संरक्षण के उपाय क्या हैं, कुछ उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सो गाइज, बेसिकली आप सबसे पूछा जा रहा है कि जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए बाह्य स्थल जो उपाय हैं, बेसिकली वो किस तरह से जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी हैं। एंड बेसिकली आप सबसे इसका कुछ एग्जांपल पूछे जा रहे हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाह्य स्थल संरक्षण से रिलेटेड कंप्लीट सारे पॉइंट आपको अच्छे से बताने वाली हूँ एंड वन बाय वन हम सारे पॉइंट को अच्छे से कवर अप करते हुए मैं आप सबको ये अच्छे से समझाने वाली हूँ कि बेसिकली ये क्या चीज़ होती है एंड किस तरह से इसकी मदद से हम जो अपनी जैव विविधता है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। सो गाइज, बेसिकली जैव विविधता वाला क्वेश्चन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड जैव विविधता से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं आप सबको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने जैव विविधता से रिलेटेड आप सबके लिए बना रखी है एंड आई एम श्योर आप सबने देख ली होगी वो वीडियो। बेसिकली उस वीडियो में ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, उस वीडियो में मैंने इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सबके साथ डिस्कस किया था एंड आप सबको बेसिकली बहुत अच्छे से समझाया था कि बेसिकली जैव विविधता होता क्या है। सो गाइज, वो वीडियो आप सब ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को भी समझने में हेल्प मिल सके। तो चलिए गाइज, फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए गाइज, फटाफट से वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप सब आए हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारी टॉपर स्टडी की फैमिली का पार्ट बन जाइए एंड यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा गाइज, बिकॉज उसी के थ्रू आप सबको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर एंड सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए गाइज, फटाफट से वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। सो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देंगे कि जैव विविधता को उसके सभी आयामों पर अनुवांशिक प्रजातियों के रूप में और अप्रभावित परितंत्रों के रूप में यथास्थल में ही सबसे बेहतर संरक्षण किया जा सकता है। यथास्थल संरक्षण के लिए सबसे अच्छी तरह सुरक्षित करने का सबसे बेहतर उपाय है कि एक निर्जन क्षेत्र का पर्याप्त भाग अलग करके संरक्षित कर दिया जाए। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के विशेष परितंत्र शामिल होने चाहिए और साथ ही राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों के नेटवर्क से भी जुड़े होने चाहिए। यथास्थल संरक्षण अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है पर्यावरण संरक्षण करने का, क्योंकि प्रजातियों का अलग अलग संरक्षण करना असंभव है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। संरक्षण करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारे जीव वैज्ञानिक प्रजातियों के बारे में जान पाएँ और अनुसंधान कर पाएँ। यथास्थल संरक्षण से हम संकटग्रस्त दुर्बल एवं स्थानिक प्रजाति जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती हैं का संरक्षण कर सकते हैं, जो अत्यधिक सहायक होगा। जैव विविधता बनाए रखने और पर्यावरण को
स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सो गाइस बेसिकली जो जैव विविधता के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं, जितने भी पेड़ पौधे या जो भी चीज़ जैव विविधता के अंदर आती है, उसका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बेसिकली गाइस हर चीज़ का संरक्षण करने का बहुत सारे उपाय होते हैं। सो बेसिकली गाइस आप लोग जानते ही होंगे कि अक्सर जानवरों को संरक्षित करने के लिए एक बिल्कुल सेपरेट सा पार्ट निकाल लिया जाता है एंड उनके अंदर जो भी प्रजाति, जो भी जानवर, जो भी पेड़ पौधे संकटग्रस्त होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है। उनके जितना भी भाग उनका बचा हुआ होता है उसको संरक्षित करने की कोशिश की जाती है ताकि वो हमारे जो अर्थ है उससे लुप्त ना हो। सो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जैव विविधता को बचाने के लिए स्थानीय संरक्षण महत्वपूर्ण है एंड किस तरह से हम इसकी हेल्प से जैव विविधता को बचा सकते हैं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संरक्षण। सो गाइस जैसा कि आप सबके एग्ज़ाम पेपर में लिखा हुआ था, इसकी स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होकर आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एंड उसके बाद उसका आंसर करना है। तो चलिए गाइस फटाफट से इस वाले पॉइंट को भी देखना स्टार्ट करते हैं। विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में संरक्षित क्षेत्र बनाए रखने के अधिक भूमि निकालना असंभव कार्य जैसा है। कृषि और अन्य कार्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि निकालने की आवश्यकता है और साथ ही अन्य संसाधनों का प्रबंधन करना भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इन्हीं कारणों से नए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण एक बाधापूर्ण कार्य है और ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करे बिना संभव भी नहीं है। और यदि ये इस तरह प्रभावित करके संरक्षित किया जाए तो ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। इस कारण से अब वक्त आ गया है कि सामुदायिक रिजर्व या सामुदायिक संरक्षण के लिए वैकल्पिक रणनीति बनाई जाए। समतामूलक और निर्वहनीय ढंग से क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करते हुए जैव विविधता की संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनता द्वारा दी जाए। इस तरह के संरक्षण क्षेत्र को बाह्यस्थल संरक्षण कहते हैं। सो बेसिकली गाइस इस तरह का संरक्षण जिसके अंदर जो जनता है यानी कि जो पीपल्स हैं, वही जो जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने की कसम खाएं, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाएं, इसी तरह के संरक्षण को बाह्यस्थल संरक्षण क्षेत्र कहते हैं। सो गाइस चलिए फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड किस तरह से हमें इसको पढ़ना है एंड याद रखना है। बाह्यसंरक्षण पशुओं के संरक्षण का प्रभावशील तरीका है। बाह्यस्थानीय संरक्षण के कुछ उपाय और उदाहरण इस प्रकार हैं। सो बेसिकली गाइस बाह्यस्थानीय संरक्षण में किस किस तरह के उपाय एंड उनके उदाहरण आगे के पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के माध्यम से देश दुनिया की संकटग्रस्त एवं संवेदनशील प्राकृतिक महत्व की जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है। स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और उभयचर की लगभग 3000 प्रजातियों के साथ दुनिया भर में 800 से अधिक पेशेवर रूप से प्रबंधित चिड़ियाघर हैं। इसमें से कई चिड़ियाघरों में अच्छी तरह से विकसित कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम हैं। सो बेसिकली गाइस आप सबने देखा ही होगा कि अक्सर आप चाहे किसी भी सिटी में रहते हों या किसी भी कंट्री में रहते हों, जो चिड़ियाघर है वो हर जगह ही होता है, जू हर जगह ही होता है। एंड गाइस बेसिकली चिड़ियाघर बनाने का जो सरकार का मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि बेसिकली जो शहर होता है उसके बीच में चिड़ियाघर की मदद से हम बहुत सारे जानवरों को सुरक्षित कर सकते हैं एंड उसकी वजह से जो पीपल्स होते हैं वो भी एनिमल्स को देख पाते हैं एंड गाइस जो एनिमल्स होते हैं उनको भी अच्छे से चिड़ियाघर के अंदर रखा जाता है। सो गाइस बेसिकली चिड़ियाघर के माध्यम से ये होता है कि जानवरों को जिनको सुरक्षित किया जाता है उनके लिए कोई अलग से जगह नहीं निकालनी पड़ती, उनके लिए कोई अलग से जंगल नहीं बनाना पड़ता। चिड़ियाघर शहर के बीच में कहीं पर भी अच्छे से सेटअप किया जा सकता है एंड वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके रख रखाव का अच्छे से प्रबंधन किया जा सकता है। सो गाइस बेसिकली चिड़ियाघर के माध्यम से बाह्यस्थानीय संरक्षण किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोटैनिकल गार्डन एवं नर्सरीज।
पादपों के संरक्षण के लिए बोटानिकल गार्डन एवं अन्य नर्सरियों का निर्माण कर महत्वपूर्ण पादपों की प्रजाति एवं उनके आनुवंशिक गुण का संरक्षण किया जाता है। यहाँ उनके संबंधित क्षेत्रों में खतरे और लुप्तप्राय प्रजातियों के बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक विधि है। ये विभिन्न स्तरों, शैक्षिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के साथ सरकारों द्वारा बनाए रखा जाता है। दुनिया भर में 1500 से अधिक वनस्पति उद्यान और बोटैनिकल गार्डन हैं, जिनमें 8000 से अधिक प्रजातियां हैं। इन वनस्पति उद्यानों में से कई में अब बीज बैंक, टिश्यू क्लचर की सुविधाएं और अन्य बाह्य स्थानीय तकनीक हैं। सो बेसिकली गाइस, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमने चिड़ियाघर जैसा जो एक विकल्प था वो ढूंढ निकाला, बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, बेसिकली पेड़ पौधों में भी ऐसे बहुत सारे पुराने पौधे हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। एंड गाइस, आगे आने वाले फ्यूचर में और पौधे विलुप्त ना हों तो उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं शहर के बीचों बीच रहकर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। सो गाइस, बेसिकली पौधों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए बोटैनिकल गार्डन यानी कि नर्सरीज का निर्माण किया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे पौधे पेड़ उगाए जाते हैं एंड उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, प्लस उनको जो उनका यूज़ होता है वो भी किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह में एंड बहुत सारी चीज़ों में। एंड गाइस, यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं इनसे रिलेटेड इनके बीज, इनके टिश्यूओं के कुछ सूत्र इनको संभाल कर रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर कभी कोई पेड़ या कुछ विलुप्त हो जाए तो बेसिकली इन बीजों के थ्रू, उनके टिश्यूओं के थ्रू ये पता लगाया जा सके कि क्या ये प्रजाति अभी भी है या विलुप्त हो चुकी है। सो बेसिकली गाइस, जिस तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे जो पादप जगत है यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी सुरक्षित रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, एंड बोटैनिकल गार्डन एंड नर्सरीज़ को बनाने का यही मोटिव होता है। सो गाइस, यहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी जाकर अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं पेड़ पौधों के ऊपर कि कौन सा पौधा ज़्यादा हेल्दी है ह्यूमंस के लिए। सो गाइस, पेड़ तो हमेशा ही एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो गाइस, हम सबको हमारे जो आसपास के पेड़ हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एंड अगर हम कोई पेड़ लगा नहीं सकते तो एटलीस्ट हमें कोई पेड़ काटना तो नहीं चाहिए। सो आई एम श्योर गाइज, आप लोग भी ये बात ध्यान रखेंगे एंड किसी भी पेड़ को आप लोग कभी हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज जिस तरह से हमारे सांस लेने के लिए पेड़ ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पेड़। तो गाइज, आई एम श्योर ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रायो प्रिजर्वेशन। सो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इस वाले पॉइंट में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। गाइस, क्रायो प्रिजर्वेशन अपनी व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए बहुत कम तापमान पर कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को ठंडा करने और संचय करने की प्रक्रिया है। बेसिकली गाइस, क्रायो प्रिजर्वेशन एक तो प्रक्रिया है जिसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी जो कोशिका होती हैं, उनके ऊतक होते हैं एंड जो उनके अंग होते हैं उनको बेसिकली बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ठंडा करके या फिर बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके। सो बेसिकली साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो गाइस, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसकी, आप लोगों को ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर अच्छे से समझा रही हूँ इसको बस अपने माइंड में रखना है एंड गाइस आप लोगों का ये आंसर अच्छे से हो जाएगा। इस प्रक्रिया का इन विटो संरक्षण 146 डिग्री के तापमान तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। सो बेसिकली गाइज, ये जो प्रक्रिया है वो 196 यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है तरल नाइट्रोजन के अंदर। ये वनस्पति रूप से प्रचारित फसलों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो गाइज, ये जो हमारे जो फसलें होती हैं उनके संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन किया है, जैसे कि उदाहरण के लिए आलू। क्रायो प्रिजर्वेशन या तो बहुत तेज़ी से ठंडा करके पराबैंगनी तापमान पर सामग्री का भंडार है, जैसे कि बीजों के भंडार के लिए ये क्रमिक शीतलन और एक साथ निर्जलीकरण के रूप में की जाती है, जैसे कि टिश्यू क्लचर में किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में कॉम्पैक्ट, कम रखरखाव, प्रशीतन
इकाइयों में सामग्री को काफ़ी लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जाता है। तो बेसिकली गाइस ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है एंड इसके अंदर जो भी चीज़ हम सेव करके रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। एंड गाइस ये भी एक तरीका है जो हमारे एनिमल्स हैं उनको बचाने का। बेसिकली इसके थ्रू होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पौधा है एंड वो बिल्कुल जो अर्थ है उससे ख़त्म होता जा रहा है, उसकी कुछ ही चीज़ें बची हैं। तो गाइस बेसिकली इस प्रक्रिया के थ्रू हम वो बचा कर रख सकते हैं उस अवशेष को, उस पेड़ के, उस पौधे के, एंड इन फ्यूचर हम दोबारा से अर्थ के अंदर उस प्लांट को फिर से उगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि एक ऐसा एनिमल हो जिसके बारे में ये माना जा रहा हो कि वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन हो सकता है कुछ साल बाद उसी एनिमल से मिलता जुलता कोई एनिमल हमें मिले। तो गाइस बेसिकली एनिमल्स के टिश्यूज़ को संग्रहित किया जाता है इस प्रक्रिया के थ्रू ताकि इन फ्यूचर उनका यूज़ किया जा सके एंड साइंटिस्ट ये पता लगा सके कि बेसिकली अगर कोई एनिमल हमारे अर्थ से गायब हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली गाइस ये प्रक्रिया इतनी सारी चीज़ों में काम आती है। आई एम श्योर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप सबको लग सकता है, बट आप सबको एक दो बार आप लोग रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य स्थानीय संरक्षण के लाभ। सो बेसिकली गाइस ये जो हम संरक्षण की विधि यहाँ पे पढ़ रहे हैं जैव विविधता के लिए, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाली हूँ एंड आप सबको इनको अच्छे से ध्यान रखना है बिकॉज आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आ सकता है। आप सबसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के लाभ बताइए एंड उससे किस तरह से जीव विविधता को सुरक्षित किया जाता है, उपाय बताइए, उदाहरण दीजिए। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आ सकता है। तो गाइस आप सबको यहाँ पे जो ये मैं 3 पॉइंट बता रही हूँ इनको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ये जानवरों को लंबे जीवन और प्रजनन गतिविधि देता है। सो बेसिकली गाइस जब कोई भी एनिमल हमारा चिड़ियाघर वगैरह में रहेगा तो वहाँ पे शिकार का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो इसकी वजह से जो वो एनिमल होगा उसकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, प्लस जो उसकी प्रजनन की गतिविधि है तो वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जेनेटिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। सो गाइस बेसिकली जेनेटिक तकनीक का प्रयोग भी इस वाली प्रक्रिया के अंदर किया जा सकता है। कैपिटलिस्ट नर्सल की प्रजाति फिर से जंगल में देखी जा सकती हैं। तो गाइस बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाती हैं एंड अगर हम उनको नर्सरीज़ के थ्रू, अगर पेड़ है तो उनको अगर हम गार्डन के थ्रू, नर्सरीज़ के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे तो वो पेड़ बचाए जा सकते हैं। एंड इसी तरह अगर कोई ऐसा एनिमल है जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया तो उसको हम चिड़ियाघर में बचा कर रख सकते हैं, उसकी प्रजनन की प्रक्रिया को अच्छे से कर उसको वापस से फिर से जंगल में छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली गाइज ये छोटे छोटे से 3 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं एंड गाइज इस तरह से ही आप लोगों का कंप्लीट आंसर फिनिश होता है। आई एम श्योर जो भी समझाने की मैंने आप सबको कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हालांकि इसमें वर्ड थोड़े से डिफ़िकल्ट आप सबको लग सकते हैं बट गाइज इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप बिल्कुल प्योर हिंदी में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ तो फिर भी मैंने आप सबके लिए थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज चूज़ की है बट गाइज जो वर्ड हिंदी में जैसे लिखा जाता है उसको आपको वैसे ही ध्यान रखना है। एंड गाइज यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अक्सर ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में पढ़कर कभी समझ नहीं आते हैं। तो गाइज आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग जब भी कुछ भी पढ़ें अपने इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा कि उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है एंड हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, ताकि अगर आप लोगों की एग्ज़ाम में आपको कोई वर्ड समझना है तो इंग्लिश पढ़कर आप लोगों को उस वर्ड का मतलब अच्छे से पता चल जाए। तो गाइज़ आप सबको ये छोटा सा पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज़ लास्ट में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है निष्कर्ष। तो गाइज़ निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड आपको इस क्वेश्चन के आंसर में निष्कर्ष ऐसे देना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब है कि उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातियों का संरक्षण। बेसिकली जो भी प्रजातियां उनका जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसके बाहर उनका संरक्षण करना, इसमें उस स्थान से दूर अनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण शामिल है जहाँ ये पाए जाते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक कुशल एवं व्यापक संरक्षण विधि है। तो बेसिकली गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी विधि है एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये है इस संरक्षण विधि की कि
पब्लिक की हेल्प से हम एनिमल्स जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर गाइज, जितने भी पॉइंट्स आप सबके साथ डिस्कस किए हैं सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड गाइज, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चले, यही मेरा मेन मोटिव है। तो गाइज, आपसे मैं आप सबको अच्छे अच्छे से वीडियोज़ और भी ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी। सो आप सबको विदाउट टेंशन अच्छे से बस टॉपर स्टडीज चैनल के साथ बने रहना है। एंड इसके अलावा गाइज, बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो गाइज, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट वाले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की भी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन टॉपर स्टडी चैनल कराने वाला है। सो गाइज, अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है या कोई भी है आपके रिलेटिव में, तो आप लोग हमारी वीडियोस उनको शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप सबकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, बस फटाफट से सेमेस्टर फर्स्ट की एग्ज़ाम हो जाए। एंड गाइज, जिन भी स्टूडेंट के पास न्यू CBCS सिस्टम है उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गाइज टॉपर स्टडी चैनल आपको ना सिर्फ आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बल्कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड आगे आने वाले हर सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराने वाला है। एंड गाइज, आप सबको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबकी प्रिपरेशन चलेगी बहुत अच्छे से। सो आई एम श्योर गाइज, ये वीडियो आप सबके लिए रही होगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। एंड गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड साथ के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हालांकि थोड़े से वर्ड आपको अटपटे लग सकते हैं, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूंगी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।